और इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और प्रेस के मित्रों, आज का ऐतिहासिक क्षण, जैसा राकेश जी बता रहे थे कि देश का सबसे बड़ा यह अग्रोहा धाम और उसके उद्घाटन के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कर कमलों से इस धाम का उद्घाटन हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि उनके साथ 5 साल हमने काम किया है और वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। हमारे आदरणीय ओपी चौधरी जी उनके विषय में बता चुके हैं, मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारा ये अग्रवाल समाज हमेशा मानवता की सेवा के लिए आगे रहता है और ये अग्रवाल धाम का निर्माण भी उसका एक उदाहरण है, जो सभी समाज के लिए ये बना है। और आज के इस अवसर में मैं सभी ट्रस्टियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और जैसा कि जानकारी दी गई है, सिर्फ मोबाइल के समाचार से लोगों ने सहयोग किया है और इतना बड़ा धाम यहां पर बनकर तैयार हुआ है, तो ऐसे सभी दानवीरों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों से, रायगढ़ वासियों से मेरा अटूट संबंध रहा है। 20 वर्षों तक आप लोगों ने आशीर्वाद देकर भारत के संसद में हमको भेजा और 20 साल तक हमने एक लोकसभा सांसद के रूप में इस क्षेत्र का विकास का प्रयास किया है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अब इस क्षेत्र की सेवा मुख्यमंत्री के नाते हम करेंगे। और अग्रवाल समाज के तरफ से जो मांग आई है, हमारे ट्रस्ट के जो सम्मानीय अध्यक्ष जी और सम्मानीय ब्रिजमोहन भैया भी मांग का समर्थन किए हैं और मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि जो आप लोगों ने यहां पर अस्पताल बनाने का सोच रखे हैं, इस इलाके में उसकी बड़ी आवश्यकता है और शासन से जो भी सहयोग होगा वो देने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सदैव तत्पर रहेगी। और आप सब लोग आदरणीय ओपी चौधरी को प्रचंड मतों से अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ के 64,000 से भी ज्यादा मतों से जिताए हैं, इसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मोदी की जो गारंटी है, आप सब लोगों को मालूम है, मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी छत्तीसगढ़ की जनता से मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है उसको पूरा करने की दिशा में हम लोगों का कदम चल पड़ा है और आने वाले 5 वर्षों में मोदी की गारंटी में जितने भी वादा किए हैं वो सब वादा को पूरा करेंगे। और इस ऐतिहासिक क्षण में हमें यहाँ पर बुलाए, सम्मान दिए, इसके लिए अग्रवाल समाज का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत